मित्रों, मैं डॉक्टर अजय विक्रम सिंह और आज इस वीडियो में आपके लिए मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं। अक्सर अगर आपका आगे का दांत टूट जाता है, गिर जाता है पारिया की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, तो अक्सर हम ये गलती करते हैं कि हम किसी भी डेंटिस्ट के पास जाते हैं और वो आसपास के हेल्दी जो हमारे दांत हैं, मजबूत दांत हैं, उनको घिसते हैं और उनके ऊपर कैप लगा करके आपको जो है ना एक ब्रिज जो है लगा देते हैं। उसको तकनीक को बोलते हैं डेंटल ब्रिज। उसमें क्या होता है कि अगर आपका एक या दो दांत गिरा है तो आसपास के दांतों को काटा और उनके ऊपर जो है ना ब्रिज लगा दिया जाता है सपोर्ट से। शुरुआत में आपको बड़ा अच्छा लगता है, बहुत जल्दी हो गया, कोई सर्जरी नहीं हुई, किसी तरीके की दवाई नहीं खानी पड़ी और आपका जो है ना दो तीन दिन में आपका ब्रिज लग के तैयार हो जाता है, तो वो बड़ा ही लुभावना लगता है, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि चलो जी बहुत जल्दी हमारा दांत फिक्स हो गया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद यह होता है कि जो दांत पे सपोर्ट लिया गया है, एक तो उनपे जो हमारे दांत नहीं है उनका लोड भी उनके ऊपर आ जाता है। ऐसे समझ लीजिए आप कि आपका जो है ना, अगर एक जो है ना, अगर कोई बीमार व्यक्ति है और वो दूसरे किसी हेल्दी व्यक्ति के ऊपर जो है ना उसको लाद दिया जाए, तो जो हेल्दी व्यक्ति है वो जो जिस रफ्तार से चल रहा है वो जितना लंबा चल सकता है उसका जो है ना उतना ही जो है ना गति कम हो जाएगी और वो भी धीरे धीरे थकने लग जाएगा, तो उन दांतों का लोड भी उन्हीं दांतों पे आ जाता है जो दांत आपके निकल चुके हैं। दूसरा परेशानी ये होती है कि अगर हमारे जबड़े में, मसूड़े में दांत की जड़ अगर नहीं रहती है तो क्या होता है कि धीरे धीरे उस जगह पे जहां पे आपने जो दांत आपका गिर चुका है उस पे धीरे 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 आपकी हड्डी और मसूड़ा पिचकने लग जाता है। क्यों पिचकता? पिचकता इस वजह से है क्योंकि वहां पे हमारी हड्डी पे प्रॉपर स्ट्रेन नहीं जाता। अगर हम इस हाथ को उठाएंगे नहीं, इस पर जोर नहीं डालेंगे, तो इसकी मांसपेशियों की एट्रोफी हो जाएगी, हड्डी कमजोर पड़ जाएगी। तो इसी तरीके से वहां की हड्डी का, मसूड़े का इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि जो लोड है वो आसपास के दांतों पर जाता है, तो वो धीरे 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 वो हड्डी और मसूड़ा पिचकने लग जाता है, जिसको बोलते हैं हम डिसयूज एट्रोफी। अपनी जो मेडिकल टर्म होता है उसमें बोलते हैं उसको डिसयूज एट्रोफी। हम उसका यूज नहीं कर रहे, इस वजह से वो एट्रोफी हो गया। एट्रोफी मीन्स कि उसका गलना, पिचकना। उस पिचकने से समस्या क्या होती है? पिचकने से समस्या होती है कि कुछ समय बाद आप फील करते हैं कि वहां पर जगह बनने लग जाती है और आपको जो है ना खाना फंसना वहां पर शुरू हो जाता है, और जब वो खाना फंसना शुरू हो जाता है तो धीरे 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 वो आसपास के जो दांत हैं, हेल्दी दांत, उनके अंदर जो है ना कीड़े लगाना जड़ में शुरू कर देता है और आपका जो दांत है वो बगल का दांत भी आपका जिसके ऊपर सपोर्ट लिया है वो खराब हो जाता है। अब क्या होता है, जब वो दांत खराब हो गया तो फिर से आप उन्हीं डेंटिस्ट के पास पहुंचते हैं, तो वो कहते हैं ठीक है जी, 2 साल चल गया, 3 साल चल गया, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप चिंता ना करें, हम ये जो खराब दांत है इसको निकाल देते हैं, अगले दांत को घिसते हैं और उसके ऊपर फिर से नया ब्रिज आपको पहना देते हैं। आप खुशी खुशी फिर से एक नया ब्रिज पहन लेते हैं, आप कहते हैं जी फिर ठीक हो गया। 2-3 साल बाद फिर वही हाल होता है, फिर आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं जी, अब तो ये भी खराब हो गया, अब अगला दांत घिसते हैं और उस पर एक नया ब्रिज आपको लगा देते हैं। इसी तरीके से एक ब्रिज से दूसरा ब्रिज आप जो है ना पहनते रहते हैं, हड्डी और मसूड़ा पिचकता रहता है, खाना फंसता रहता है, आपको बोलने चालने में दिक्कत जो है होती रहती है, क्योंकि जब आप बात करते हैं तो वहां से हवा पास होती है, तो आप ता था दा धा कुछ भी शब्द बोलेंगे तो वो आपको बोलने में प्रॉपर नहीं आता, प्लस क्योंकि मसूड़ा पिचकता रहता है तो ये होंठ का जो हिस्सा है ये आपका दबने लग जाता है, तो आपको कहीं ना कहीं ये फील होने लग जाता है कि मेरा जो ओवरऑल जो लुक है वो भी मेरा फेस का खराब हो रहा है। फिर जब वो दांत हमारे सपोर्ट के लिए नहीं बचते हैं, फ्रंट के दांत नहीं बचते और हमारे मामला दाढ़ों पे आ जाता है, तब वो डेंटिस्ट कहते हैं कि जी अब निकालने लगाने वाले दांत पहन सकते हैं आप, या फिर जो है ना कुछ इम्प्लांट वगैरह का देखिए। तब आप इम्प्लांट के डॉक्टर पहुंचते हैं तो नुकसान क्या होता है, एक तो आप कई ब्रिज लगवा चुके, कई सारे दांतों को खराब करवा चुके, तब आप डेंटिस्ट पास पहुंचे और वहां पे फिर क्या होता है कि आपकी हड्डी कम मात्रा में मिलती है। तो बेहतर क्या है? बेहतर यह है कि शुरुआत में ही जब आपका कोई दांत गिरा है तो ब्रिज न ऑप्ट करके, ब्रिज न चूज करके आप इम्प्लांट के डॉक्टर पे जाइए, वहां पे इम्प्लांट लगवाइए, आसपास के जो हेल्दी दांत हैं वो आपके ऐसे ही बने रहेंगे, उन पे कोई ओवरलोड नहीं रहेगा। कंफ्यूज लोग कभी कभी ब्रिज और कैप को लेकर के होते हैं, कैप आप लगवा सकते हैं, ब्रिज ना लगवाएं। आज इसी मामले को लेकर के आप जो है ना आपके सामने हम एक वीडियो भी लेकर के आए, ये मिस्टर चंदन राउत हैं, इनका जो है ना अगर
पूरी कहानी सुनेंगे, तो जो हमने बताया है वही इनके साथ हुआ है। ये बात सही है कि ये एक ब्रिज लगवाने के बाद में फिर इनको थोड़ा सा ना समझ आ गया कि जो है ना ये ब्रिज नहीं लगवाना चाहिए। अगला दांत, क्योंकि डेंटिस्ट ने फिर बोला कि इसको खाड़ के अगला ब्रिज लगा देंगे, तो वो इन्होंने नहीं किया, ऑप्शन लिया इन्होंने इम्प्लांट का। हमारे पास आए, हमने इनका इम्प्लांट लगा करके इनका ब्रिज को हटा करके, और इनका ब्रिज एक दांत को भी और खराब कर चुका था, उसको निकाल करके इम्प्लांट लगा करके 3 दिन के अंदर इनको फ्रंट पे हमने दांत दे दिए। इस वीडियो को पूरा देखिए आप और अंत तक देखिए, और ये तब आपको जो हमने आपको एक्सप्लेन किया है वो आप मरीज की जुबानी भी सुनेंगे कि बिल्कुल इसी तरीके के उनका एक्सपीरियंस हुआ। इम्प्लांट लगाने में क्या कोई तकलीफ हुई, उनको कैसा लगा, क्या उन्हें ये इलाज पहले ही ऑप्ट कर लेना चाहिए था, उसका उनको पहले से ही अभी पछतावा हो रहा, तो ये इलाज कैसा लगा ब्रिज में, इम्प्लांट में क्या उनको बेहतर लगा, वो जो है ना ये वीडियो में बताएंगे। इनका हम लाइव सर्जरी आपको दिखाने वाले हैं। ब्रिज हमने निकाला, निकालने बाद वो दांत भी निकाला जो दांत में इनके एक गांठ बन गई थी। इम्प्लांट लगाए, लोकल एनेस्थीसिया लगा करके, यहां सुन करके 3 इम्प्लांट लगाए, और जो है ना इनके फिक्स दांत हमने कैडकैम सिस्टम से, जो हमारे पास डिजिटल सिस्टम है, उससे जो है ना स्कैन करके और हमने जो है ना बना करके और इनके जरकुनिया के दांत जो है ना इनको लगा दिए 3 दिन के अंदर। तो ये जो है ना वीडियो आप अंत तक देखिए, जिससे कि आपको जो है ना पूरी जानकारी मिले कि एक्चुअली क्या होता है, आपको जो हमने बताया वो आपको एक्चुअली दिखे कि ये इस तरीके से होता है। तो अंत तक वीडियो देखिएगा, और दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपके जो है ना पास में हमारा कोई भी नया वीडियो, हम अधिकतर वीक में 1-2 वीडियो डालते रहते हैं और बहुत सारे अलग अलग तरीके वीडियो डालते हैं, तो आपको दांतों के संबंध में बहुत सारी जो है ना जानकारी आपको मिले, उनके इलाज के संबंध में बहुत सारी जानकारी मिले। तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर करिए अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगता है तो। हो सकता है ये आपकी समस्या ना हो, आपके किसी मित्र की, दोस्त की, रिश्तेदार की ये समस्या हो सकती है, तो आप इसको शेयर करिए, ग्रुप्स में शेयर करिए, तो किसी को आपके द्वारा जो है ना हेल्प हो सकती है। अब हम आते हैं चंदन कुमार जी पे कि चंदन कुमार जी का क्या एक्सपीरियंस रहा इम्प्लांट को लेकर के, कितना दर्द हुआ, कितनी सूजन हुई, क्या परेशानी हुई, और वो कैसा अपना एक्सपीरियंस हमसे लेकर के जा रहे हैं। तो चलिए अब चंदन कुमार जी का केस करते हैं। चंदन राउत हैं और आप रहते हैं बिहार में। समस्या यह है कि किसी कारण से इनके फ्रंट के 2 दांत गिर गए, और इन्होंने क्या किया, आसपास के दांतों पे कवर लगा करके ब्रिज लगवा लिया। जो हम हर वीडियो में बताते हैं कोई ब्रिज न लगवाएं, इम्प्लांट कराएं, क्योंकि इम्प्लांट आपकी हड्डी को लॉक कर लेता है, लेकिन ब्रिज क्या होता है कि उसके नीचे हमेशा जो है मसूड़ा हड्डी पिचकता रहता है और धीरे धीरे आपके आसपास के दांत भी चले जाते हैं। तो यही हुआ, इन्होंने 2 दांत लगवाने के लिए आसपास के 2 दांतों पर सपोर्ट लिया और जो है इनका ब्रिज लगा दिया। तो एक तो वहाँ पर मसूड़ा पिचक गया, हड्डी इनकी पिचकती जा रही है, अब इन्हें फील होता है कि वहाँ पर बहुत सारा खाना फंसता है, बोलने में भी दिक्कत आती है। तो इन्होंने वीडियोस देखे और समझा कि भाई इम्प्लांट लगने चाहिए। सीटी स्कैन इनका कराया तो उसमें ये पाया कि जो 2 दांतों पे जो सपोर्ट ले रखा है उसमें से भी 1 दांत में इनके गांठ जो है बन गई है, ऊपर गांठ बन गई है, वो खराब हो गया, तो उसको भी निकालेंगे। तो 1 दांत इनका भी सुरक्षित है और ये ब्रिज इनका निकालेंगे, अगर वो ठीक हमें कंडीशन मिलता है वाला दांत तो उसके ऊपर ये कैप लगाई जाएगी, और बाकी जो 3 दांत हैं, 1 जो निकालने वाले हैं और 2 पहले निकल चुके हैं, उनमें जो है ना इम्प्लांट लगा के तो इनके 2-3 दिन के अंदर ही इनके जो है फिक्स दांत इनको देने वाले हैं। ठीक है जी, सब समझ लिया अच्छे से, करें स्वीकृति है, चलो और इनसे फिर पूछेंगे कि दर्द कितना हुआ, तकलीफ कितनी हुई, इलाज कैसा रहा, ठीक है, तो वो जो है इनसे बाद में बात करेंगे। तो अभी तो इनका ब्रिज हटाएंगे, फिर 1 दांत जो खराब है वो हटाएंगे, इम्प्लांट लगाएंगे, यहाँ पे केवल सुन करेंगे मसूड़े को, इम्प्लांट लगाएंगे और उसके बाद उसका नाप लेकर के दांत इनके बनेंगे और दांत इनके मुंह में फिक्स किए जाएंगे, ठीक है, तो लास्ट में फिर बात करेंगे कि कैसा रहा अनुभव। चलिए
हाँ जी लग गए, लग गए, दर्द तो नहीं हो रहा? खूब लंबे लंबे लग गए इम्प्लांट यहाँ तक के, ठीक है एकदम सॉलिड, कोई दर्द तो नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं। चलो हमने इनका ब्रिज निकाला, एक दांत उसमें गांठ बन गई थी एक दांत में, तो वो दांत हमको निकालना पड़ा, तो हमने तीन इम्प्लांट लगाए, एक दांत हमको इनका सुरक्षित लगा, उस दांत में भी हालांकि इनका कीड़ा लग चुका है लेकिन हमने वो कीड़ा वीड़ा थोड़ा साफ करके, अगर और रुकते तो वो दांत भी इनका चला जाता, उस दांत पे कैप लगाई, बाकी तीन इम्प्लांट लगा करके इनके तीन दिन में हमने इनके दांत लगा दिए, और दांत जो इनके लग गए वो दांत एकदम सॉलिड है, कोई दिक्कत दर्द? बिल्कुल दर्द नहीं, कोई धमक भी महसूस नहीं होगी, बिल्कुल, ठीक है। तो लंबे लंबे इम्प्लांट लगाए हैं और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इनका जो है ना काम हो गया। अब ये अपना एक्सपीरियंस खुद बताएंगे, थोड़ा जो भी आप कहना चाहें, ठीक है, वो अपना जो है बोल सकते हैं वीडियो में, कैसा इधर का एक्सपीरियंस रहा, ब्रिज में इम्प्लांट में क्या अंतर है, कहाँ कहाँ गए और किस किस तरीके का वो रहा, जो बोलना चाहे अपनी इच्छा से बोलिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ कि जो एक भी दांत सरा हुआ है जल्द से जल्द उसको निकलवा लेना चाहिए टाइम रहते, हाँ। नहीं तो बाद में दूसरा तीसरा ऐसे करके सारा मुंह बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल। और ये जो ब्रिज लगाता है ना वो बहुत बेकार चीज है, दांत में बीच में गैप हो जाता है, हाँ। खाना फंसने लगता है, ये काम नहीं करवाइएगा, वो पैसा वेस्ट जाएगा, इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट इम्प्लांट कराइए और अपना पसंद से कैप लगवा लीजिए, उसमें बढ़िया रहेगा लाइफ टाइम के लिए, कुछ भी खाइए चबाइए उससे फर्क नहीं पड़ता है। डॉक्टर साहब वो लोहे के डंडे से भी मार के देखा उससे चोट उट कुछ नहीं, कुछ असर नहीं हो रहा है, लेकिन नॉर्मल दांत में जो हमारे मारेंगे तो धमक लगती है, धमक लगता है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, अंदर है अंदर पूरा सड़ गया था मेरा दांत, अभी दो दिन पहले निकाल के आज तीसरे दिन में लग गया, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। तो एक तो जो लोग जैसे आपके पास आप आए चेन्नई से, आपके पास ऑप्शन था चेन्नई में इलाज कराने का, आपके पास ऑप्शन था बाकी जगहों पे लुधियाना में इलाज कराने का, तो यहाँ देखेंगे लुधियाने से भी पेशेंट पंजाब आए, पंजाब से आई है लेडी फुल माउथ इम्प्लांट उनके हो रहे हैं, ठीक है, दिल्ली से भी आई हुई है, बिहार से आपके और भी लड़के बच्चे आए हुए हैं उनके भी इम्प्लांट, नेपाल से भी आते हैं, तो सब लोग कुछ तो आपको यहीं बैठे सब दिखी गए अलग अलग प्रांतों के, नागपुर से आए थे बाबूजी उनके हो गया, महाराष्ट्र से, तो क्या कहोगे इधर के बारे में? लोग जो ये कहते हैं कि हम आगरा क्यों जाएं, अपने यहीं आसपास करा लें किसी से, क्या कहोगे फर्क है क्वालिटी में? है सर, सबसे पहले तो यहाँ पे रिसर्च सेंटर है, हाँ। जो कि मुंह के बारे में कुछ भी समस्या हो सारे चीज यहाँ रिसर्च होता है, हाँ। डॉक्टर साहब के पास बहुत सर्टिफिकेट है, न्यूज पेपर में भी देखा हूँ मैं कई जगह पे, और काफी लोग को इम्प्लांट किया है, मैं 6 महीना 8 महीना पहले से वीडियो देख रहा था, उस टाइम में मैं बहरीन में था, अच्छा, फिर अभी मैं छुट्टी मांग करके घर आए, हाँ। फिर यहाँ आया मैं, तो सबके पास आए, हाँ। अच्छा अब ये बताओ, एक तो ये बहुत डरते थे कि पता नहीं कैसे होगा क्या होगा, हमने आपके इम्प्लांट लगाए, कोई दर्द हुआ इम्प्लांट लगा? कोई दर्द नहीं होता है, कोई दर्द नहीं, कोई दर्द। अब कोई घर में जा रहे हो आप इम्प्लांट लगा करके, दांत लगा के अपने जा रहे हो, 2-3 दिन के अंतर ही जो है, कोई भी आपको कोई सूजन लेके जा रहे हो या कोई दर्द लेके जा रहे हो? बिल्कुल नॉर्मल जा रहे हो? जी नॉर्मल जा रहे हैं, ठीक है। गाँव में तो एक दांत निकालने पर तो सूजन ऐसे खुल जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो तकनीक अच्छी है, तकनीक अच्छी है, मशीन अच्छी है, ठीक है, काम करने का तरीका बेहतर है, एक्सपीरियंस बहुत लंबा है, तो इस वजह से जो है ना चीजें आप लोगों का बढ़िया से काम हम करके दे पाते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद आपका इतनी दूर आए, बढ़िया खाइए चबाइए, ठीक है, चलिए, और एक बार स्माइल कर दो बढ़िया से, ठीक है, चलिए।